पीपी के विषय के ऊपर इस शहर के अंदर कई बार महानगर पालिका के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग होती रही और फिर एडजॉर्न होती रही। 6-7 बार हो जाने के बाद जाकर के आखिरकार 17 तारीख को यह डीपी प्लान जो है शहर का सर्वसम्मति से पारित हुआ। यह जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है डीपी प्लान, ये 16 तारीख तक भी इन लोगों का विरोध था, विरोधी पक्ष वालों का विशेष तौर से। तो ये पूरी डीपी प्लान पारित होने के बाद कहीं ना कहीं अगर संदेह के घेरे में कोई आता है तो मुख्य भूमिका है विरोधी पक्ष की, और वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस। आज हम उन्हीं से, उनके गट नेता मनोज लासी से सवाल जवाब कर रहे हैं। आइए सीधे और तीखे प्रश्न श्री मनोज लासी जी से। मनोज जी, ऐसा क्या हुआ कि 17 तारीख को राष्ट्रवादी की अध्यक्षा श्रीमती ज्योति कलानी और आप दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय डीपी का और जनरल बॉडी में आप अनुपस्थित रहे? देखिए, पहले तो आपने जो अपने स्टार्ट में कहा कि 16 तारीख तक भी विरोध था, 17 को इसकी सहमति हुई, ये गलत है। आपको बता दूं कि पिछले 5 महासभाएं इस विशेष डीपी के सत्र पे चर्चा कर स्थगन की गई है। करीब करीब 6-6 घंटे, 8-8 घंटे एक एक मुद्दे पर चर्चा हुई है। ऐसी 5 महासभाएं चली है, 16 तारीख तो जो आप बोल रहे हैं, उसके अलावा महासभाओं के अलावा ऐसी अनगिनत बैठकें दिन में 3 बार भी, 4 बार भी, कभी कभी 5 बार भी, रात देर तक भी, 12 तक, 12:30, 1 बजे तक भी, शहर के जो प्रमुख आर्किटेक्ट्स हैं, वास्तु विशारद हैं, शहर के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं लैंड में, जिनके पास जानकारी है कायदे कानून की, सत्ता पक्ष के कुछ लोग, विपक्ष के हम लोग, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें डीपी समिति के भी सदस्य थे, प्लानिंग कमेटी के भी सदस्य थे, अधिकारीगण भी थे, उनसे बहुत सारी बैठकें हुई। हमने पहले ही दिन पर, आपको याद होगा 30 तारीख की जो महासभा पहली डीपी के ऊपर आई, हमने पहले ही महासभा में सत्ता पक्ष और महापौर को स्पष्ट कहा था कि यदि आप इस शहर को एक अच्छा डीपी विकास आरा खरा देना चाहते हो जो आने वाले कई सालों तक इस शहर की दिशा और दशा तय करेगा, तो इस चीज़ को समय देना होगा। और पिछले 9 महीने से जो हम लोगों ने, विशेष तौर पर हमारे नेता पप्पू कालानी ने, उल्लासनगर बचाओ महासमिति ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और शहर की पूरी मीडिया ने, नेशनल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, लोकल मीडिया हो, इसने इस मुद्दे को उठा रखा है, एक एक चीज़ के ऊपर रोशनी डाली है, लोगों तक आंदोलन के माध्यम से सड़क पर पहुंचकर, घर घर तक पहुंचकर, गली गली तक पहुंचकर लोगों को जगाया गया है नींद से, लोगों को बताया गया है कि आरक्षण के माध्यम से आपके दुकान, मकान, घर, गोडाउन, झोपड़पट्टियां, बैरेक्स, ऑन प्लॉट किस तरह से बाधित हो रहे हैं। उसी का ही परिणाम है कि संशोधन करके 217 इन्होंने पहले फेस में हमारी बातें मानी, जो पूरे शहर के सामने बातें गवाह है, और सत्ता पक्ष के बहुत बड़े नेता इस बात को एडमिट भी कर चुके हैं, मान भी चुके हैं कि हाँ, विपक्ष ने हमारी आंखें खोली, पप्पू कालानी ने उनकी आंखें खोली, उल्लासनगर बचाओ महासमिति ने आंखें खोली, तभी 33,000 आपत्तियां पड़ी जिसमें हमने 217 पहले फेस में संशोधन किए। मनोज लासी जी, आप मेरे सवाल को, मैं आ रहा हूँ, मेरा जो अंत होगा तो वो उस पर ही होगा। उसके अलावा 217 जब चेंजेस हुए, उसके बाद भी जब मॉडिफिकेशन डीपी हमारे समक्ष आया, जिसके प्लानिंग जो कमेटी थी उन्होंने अपनी उसमें राय रखी थी, अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें भी बहुत तूतियां थी। मैंने आपको इसका, आपके पहले भी इसमें साक्षात्कार में आपको बताया था, बहुत तूतियां हैं। हमारी मांग थी कि शहर में बड़े बड़े भूखंड जो हैं, जो शहर के आउटस्कर्ट्स में हैं या शहर के अंदर हैं, उनके ऊपर आरक्षण ढालो। कारण इस, हमारे शहर को आरक्षण की बेहद ज़रूरत है। जिस प्रकार शरीर में सांस की जरूरत होती है, इस शहर को आरक्षण की जरूरत है। खेलकूद चाहिए, कब्रस्तान चाहिए, शमशान भूमि चाहिए, ट्रक टर्मिनल चाहिए, सीवरेज प्लांट चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमने पहले चर्चा किए हैं, जो हमने अपनी मांगे बताई थी, जो इस शहर को चाहिए। उन सब बातों पर गहन हुआ, सत्ता पक्ष की तरफ से दबाव डाला गया कि नहीं, आप सिर्फ एक जाति के तौर पर, एक विपक्ष में होने के नाते, या किसी व्यक्ति विशेष को, सत्ता पक्ष के व्यक्ति विशेष को, या किसी कंपनी को, या किसी समूह को आप टारगेट कर रहे हो, तभी आप बोल रहे हो कि ये आरक्षण ढालने चाहिए। पर जब हमारी बेशमार बैठकें हुई, दौर चला,
हमारा विरोध हुआ, हमने अपनी उनको बताई, हमने अपने दर्द बताया, हमारा दर्द नहीं था, वो शहर का दर्द था। तो आखिरकार कहीं ना कहीं धीरे 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 एक एक चीज़ के ऊपर सहमति आई और आखिरकार वो निष्कर्ष निकला कि हाँ, इस डीपी में ये चीज़ें हम ला रहे हैं, आपकी जो डिमांड से हम ला रहे हैं और वो डिमांड उन्होंने लाई है, उनका धन्यवाद। और ये तय कब हो चुका था? ये 15 तारीख की जो सभा थी उसमें तय हुआ था। 15 तारीख को ही, आपको याद हो या आप मीडिया पर्सन से किसी से या किसी और से पूछ सकते हैं, 15 तारीख को ही रेजोल्यूशन पारा जा रहा था। उस बैठक में ज्योति कालानी भी उपस्थित थी, हमारे सभी नगर सेवक भी उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था, हर एक थे। पर उसके बावजूद भी जब रेजोल्यूशन आया, हमको रेजोल्यूशन में कुछ कायदे कानून की या सीरियल वाइज कुछ कमी लगी कि आपने ये हमारी मांगे तो मानी है, ये रेजोल्यूशन तो आप ला रहे हो, पर उसके लिए भी एक दिन देना चाहिए। कारण 7:30 शाम के बज चुके थे, कायदे के मुताबिक 7 बजे तक सभा को, किसी भी तरह सूरज ढलने तक हमको सभा को ख़त्म करना होता है। तो हमारे इस आग्रह को महापौर ने माना और उन्होंने दूसरे दिन 11 बजे सुबह रखी, यानी जो 16 तारीख रात को बैठक ख़त्म हुई शाम को 7:30 बजे, वो दूसरे दिन सुबह 11 बजे रखी गई। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो दुर्भाग्य से न्यायालय के किसी आदेश अनुसार मैं शहर में आ नहीं सकता, किसी विशेष काम के लिए मुझे या मास सभा अटेंड करने के लिए या शहरित के किसी कार्य में या अपने पर्सनल किसी कार्य के लिए, घर में सुख है दुख है उसके लिए मुझे न्यायपालिका की परमिशन लेनी पड़ती, उनका आदेश लेना पड़ता है। 16 तारीख को 7:30 बजे सभा चालू हुई। मैंने सचिव गोडसे को कहा कि मुझे एजेंडा की कॉपी दीजिए, कारण मैं अगर कोर्ट के सामने जाता हूँ तो कोर्ट कोई मुझसे प्रमाण मांगेगी कि आपकी एजेंडा की कॉपी। तो उन्होंने कहा हमने निकाली नहीं है, अब हम निकल नहीं सकता, कल सवेरे आपको देंगे। कल सवेरे 10:30-11 बजे तक मुझे कोई कॉपी मिली नहीं। 11 बजे की सभा है, 11:30 तक मुझे कॉपी मिली नहीं है। मैं न्यायालय गया, मैंने कहा मुझे परमिशन दीजिए, उन्होंने बोला आप एजेंडा की कॉपी लाओ, जैसे हर बार आप लाते हो। कानूनी तकनीकी वजह से मुझे इस जो आखिरी जिसमें डीपी जो मोहर लगने वाली थी, जिसका हमने इतना पुरजोर विरोध किया था, जिसके कारण हमारे विरोध के कारण, हमारे आंदोलन के कारण, हमारे कुर्बानियों के कारण, हमारे इतनी चर्चाओं के कारण, वो आज एक शहर को विकासशील डीपी मिलने जा रहा था, दुर्भाग्य से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। भाभी भी नहीं आई। मैं ज्योति कालानी की बात करूँ, हाल ही में उन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई है, ब्लड प्रेशर का उनको प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का उनको प्रॉब्लम है, कैट्रिक का उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, जिसके सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और वो ये सारे शहर को मालूम है। भाभी की तबीयत पिछले कुछ समय से ना गुजर चल रही है, कॉरपोरेशन इलेक्शन के समय भी उनके ऊपर बहुत बड़ी इस तरह की तबीयत पे विपदा आई थी, भगवान की दुआ से, शहरवासियों की दुआ से उससे हम निकल गए थे। जिस दिन 17 तारीख की जीबी थी, भाभी घर से निकल चुकी थी। आपको बता दूं, सेंट्रल हॉस्पिटल तक क्रॉस किया गया था, अचानक उनका बीपी बढ़ने के कारण वो पहुंची नहीं। हमारे विरोधी पक्ष नेता राजू जगयासी से बाकी घटकों से बात हुआ, हमने उनसे निवेदन किया कि 2 दिन तक इस डीपी को, इस मुद्दे को आगे लाया जाए, कारण भाभी नहीं पहुंच पा रही है, सोमवार तक कीजिए। पर उन्होंने कहा तय तो सब हो चुका है, आपकी जो जो मांग थी हमने रेजोल्यूशन लाई है, सिर्फ सीरियल वाइज उसको बनाना था, हम आपके पास कॉपी भिजवाते हैं, अगर इसमें कुछ आपको लगता है और भी चेंजेस करने की या इसमें और कुछ बदलाव लाने की जरूरत है तो हम एडजॉइन करें। बाकी पहले ही बहुत सारी महासभाएं चल चुकी है, इस शहर को एक डीपी देने के लिए बहुत सारा संघर्ष हो चुका है, आखिर एक ऊपर शहर जो हमारे इसके बाद की जो तैयारी होगी, जो राज्यसभा में हमको भेजना है, जो हमको गजट बनानी है, जो हमारा जीआर बनेगा, उसके लिए भी महापालिका को, कमिश्नर को समय चाहिए। इसके लिए अगर आपको विरोध है इस पर, यहाँ जो हमने रिजोल्यूशन दिया तो आप उसकी बात कीजिए, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसमें दुरुस्त लेंगे। हमने बोला इस पर नहीं है, कल जो आपने बताया था वो रिजोल्यूशन से हम सहमत हैं, हमारी सब मांगे हो गई है जो मैं अभी आपको आपके बताने वाला हूँ। उसी कारण धनंजय बोराड़े से भी हमारी बात हुई, जो हमारे सभागृह नेता है, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति विशेष के लिए ये महासभा स्थगन नहीं की जा सकती, जबकि विरोधी पक्ष राजू जगयासी ने वहाँ पर ये डिमांड भी की थी, पर उन्होंने ऐसे कहा अगर रेजोल्यूशन में कुछ गड़बड़ है, आप इसमें कुछ चेंजेस कराना चाहते हो तो हम करें। हमने बोला नहीं, ये परफेक्ट है, पर इस विशेष दिन पर जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया, जिस चीज़ के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतने हमारे ऊपर इल्ज़ाम हुए, इतने हमारे ऊपर आरोप लगे, लोगों को हमने साथ में लिया, लोग साथ में आए, पर इस विशेष दिन पर जब मोहर लगने वाली थी इस शहर को, एक हितकारी डीपी, विनाशकारी नहीं, हितकारी डीपी मिलने वाला था, दुर्भाग्यपूर्ण ज्योति कालानी भी उस समय तबीयत के कारण नहीं आ पाई। तो ये जो रिजोल्यूशन पारित होकर रखा था, क्या राजू जगयासी विरोधी पक्ष नेता थे, उन्हें ये सारे जितनी भी पॉइंट्स रखे हुए थे उससे पूर्ण रूप से सहमत थे, क्योंकि उस दिन उन्होंने भी विरोध नहीं किया? देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से जब भी सत्ता पक्ष और हमारी बैठकें होती थी,
मुझे न्यायालय के आदेश से, अगर मुझे न्यायालय से आदेश मिलता था तो मैं उन बैठकों में जाता था, वरना हर मीटिंग में हमारे जिला अध्यक्ष ज्योति कालानी, विरोधी पक्ष नेता राजू जग्यासी और हमारे कुछ एक्सपर्ट नगर सेवक हर मीटिंगों में रहे थे, हर बातों में रहे थे, हर एक चीज़ का वहाँ पे खुलासा हुआ था। राजू जग्यासी के खुद के अपने इतने सारे ऑब्जेक्शन थे उसके वार्ड के, वो हमने जो उन लोगों के ऊपर आरक्षण था, जो मिलिट्री तवर लाव के ऊपर आरक्षण था, जो एक संस्था का प्लॉट है मिलिट्री तलाव उसके ऊपर आरक्षण था, ये सब राजू जग्यासी के कड़े विरोध के कारण उनको मजबूर होकर ये निकालने पड़े। हर बैठक में राजू जग्यासी, ज्योति कालानी जी, और जहाँ जहाँ मुझे न्यायालय का आदेश मिला मैं पहुँचा था। बाकी किस तरह से एक एक चीज़ के ऊपर, भाड़ी के ऊपर हमारा विरोध था, हमने जो डिमांड की, मैं आप मुझे अगर समय देंगे कुछ तो मैं उसमें बता पाऊंगा। मनोज लासी जी, 13 तारीख को मैंने आपसे इंटरव्यू लिया, 17 तारीख को यह जीबी में सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ऐसी क्या जादू की छड़ी घूम गई कि 17 तारीख को सर्वसम्मति से, जिस डीपी का 12, 13, 14, 15 तारीख को भरपूर विरोध किया जा रहा था, एक एक मुद्दे के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे डिस्कशंस हो रही थी, अचानक 17 तारीख को सारे मुद्दे सॉल्व हो गए और 17 तारीख को जादू की छड़ी मानो पूरे विरोधी पक्ष के ऊपर घूम गई और एकदम सब शांत हो गए और पारित हो गई क्रमांक एक। और 13 तारीख को जब आपने मेरे को इंटरव्यू दिया था, तब उस समय आपने मुझसे कहा था, नरेश जी हम क्या मांग रहे हैं इस शहर से, हम मांग रहे हैं हमको एक टांग दो भैया, दो टांग चाहिए, एक टांग दिए एक टांग और दे दो, दो आँख चाहिए एक दी है एक दूसरी दे दो, हमको दो दो गुर्दे चाहिए एक दिया है दूसरा दे दो। तो 13 और 17 के बीच में 4 दिनों में सारे ऑर्गन्स जितने आप मांग रहे थे, जितनी चीजें मांग रहे थे, क्या सारी चीजें आपको मिल गई? दावे के साथ कहता हूं मिल गई, और मैं उसको आपको बता भी पाऊंगा और दावे से कह भी पाऊंगा, और जब नया संशोधन डीपी रिजोल्यूशन होके आएगा मेरी इन चीजों के ऊपर कृपया ध्यान दीजिएगा, अगर वो नहीं हो तो फिर मुझसे साक्षात्कार लीजिएगा, इल्जाम लगाइएगा, अगर हो तो कृपया एक बार धन्यवाद कहने के लिए आइएगा। मनोज जी ऐसा है, प्रमुख तौर पर मैं जानता हूं आपने काफ़ी निकाल के रखे हैं कि कौन से आरक्षित प्लॉट्स थे, कुछ किस प्रकार से उसे फिर से आरक्षण। प्रमुख तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 74 में एक प्लान थी इस शहर के अंदर, ठीक है, उस समय कई भूखंड आरक्षित थे, रिजर्व प्लॉट्स थे, कुछ स्कूल्स के लिए थे, कुछ मस्जिद के लिए थे, कुछ कब्रिस्तान के लिए थे, कुछ शमशान भूमियों के लिए थे, अलग अलग रिजर्वेशन थे, शहर के एमिनिटीज जिसको कहते हैं उसके लिए रिजर्वेशन थी। उसमें से कुछ भूखंडों के ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई थी, लेकिन कुछ भूखंड आज भी खाली थे। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो लगा हुआ था उन भूखंडों के ऊपर था जो खाली हैं, जिनके ऊपर आरक्षण किया जा सकता है और आरक्षण कायम किया जा सकता है, उन आरक्षणों को हटा करके कहाँ रेसिडेंशियल जोन दिखाया गया, कहाँ कमर्शियल जोन दिखाया गया, जिसके ऊपर इस शहर के कई लोगों को आपत्ति थी कि भाई भूखंड खाली पड़े हैं उनको तो रिजर्वेशन में ही रहने दीजिए, इंक्रोचमेंट हो गई उसके बारे में अलग पॉलिसी बन सकती है, लेकिन जो खाली प्लॉट्स पड़े हैं, रिजर्व प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर से आरक्षण क्यों हटाए जा रहे हैं? और ऐसी मांग आपकी भी थी, तो आप मुझे यह बताइए कि जो रिजर्व प्लॉट 74 के हिसाब से थे और खाली पड़े थे, क्या आज की जो नई डीपी बनी है उसमें भी वही सारे प्लॉट्स वैसे के वैसे ही पूरे के पूरे भूखंड आरक्षित रखे गए, या उसको रेसिडेंशियल और कमर्शियल जिस प्रकार से दिखाया गया था वैसे दिखाया गया? ज़्यादातर सभी भूखंडों के ऊपर जो जो हमारी डिमांड थी वो आरक्षण आ चुका है। 74 की अगर जो बात करते हैं तो 233 ऐसे प्लॉट थे, भूखंड थे, जिनके ऊपर आरक्षण था। दुर्भाग्यवश वो चाहे प्रशासन की बात करें या शासन की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, हम उन आरक्षणों को बचा नहीं पाए, 74 के आरक्षणों को। कुल मिलाकर अब 224 में से 73 ऐसे भूखंड पड़े हुए हैं जिनके ऊपर आरक्षण हम डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे भूखंड मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊं, मैंने कहा आपको मुझे बताना पड़ेगा, मेरे पास सिलसिलेवार है क्या क्या हमने आरक्षण दी, हमारी क्या डिमांड थी। वो हमारी डिमांड नहीं थी, वो शहर की डिमांड थी, एक शहर को चाहिए थी, एक शहर को, वो डिमांड के ऊपर बिल्कुल वर्कआउट किया गया है। और आपने इससे पहले कहा कि आपका पूरे जितनी भी महासभाएं चल रही थी डीपी के ऊपर विरोध था, डीपी को आप रद्द कराना चाहते थे, पर अचानक से कैसे, हम डीपी का विरोध हमारा था, मुद्दों के ऊपर विरोध था हमारा। जो डीपी 9 महीने पहले जो डीपी लाया गया था वो पूरा का पूरा विनाशकारी डीपी था, हमने कहा आपको पहले भी साक्षात्कार में। विरोध के बाद, आंदोलनों के बाद, 33,000 ऑब्जेक्शन के बाद 217 चेंजेस लाए गए, जिसमें बड़े बड़े रोड थे, बहुत सारे नए रोड थे, जिसमें 2 लाख लोग ऑब्जेक्ट हो रहे थे, जो सड़कों पे आ रहे थे। पहले फेज में वो 217 उन्होंने माने, दूसरे फेज में कुछ और माने, आखिरी इन बैठकों का दौर चलता रहा, आखिरकार उन्होंने हमने हमारी जो डिमांड थी, हमने जो उन्होंने रिजोल्यूशन दिया था कि इस शहर को ये चीज़ें चाहिए और इस क्षेत्र में चाहिए, वो सब की सब चीज़ें हमें
शत प्रतिशत नहीं कहूं तो 99% चीजें मिली है। तो आपके हिसाब से 233 प्लाट जो आप कह रहे थे 74 के हिसाब से रिजर्वेशन थी, उसमें कई प्लाट्स की इंक्रोचमेंट हो गई थी प्रशासन की और शासन की गलतियों की वजह से, जो खाली भूखंड थे क्या उनके ऊपर जिस प्रकार से अभी वो ग्रीन जोन में से निकाले गए, कुछ रेसिडेंशियल जोन करके दिखाए गए, कुछ कॉमर्शियल जोन करके दिखाए गए, क्या वो वैसे के वैसे रिजर्व रखे गए जितने सेवन बचे हुए खाली प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ? शहर को जो चाहिए, मैं आपको ये आदि जब पढ़ूंगा ना, अब आप कहेंगे कि बिल्कुल ये आपकी डिमांड थी, ये शहर की जरूरत थी, ये सब चीज़ें हमारे शहर को मिली है। हमने बड़े बड़े एकरों वाले भूखंड के ऊपर भी जो एकर्स में थे, वॉल की तो बात छोड़िए, स्क्वायर फुट की तो बात छोड़िए, जो एकड़ में भूखंड है हमारे शहर में उनके ऊपर भी आरक्षण डाला हुआ है। उनमें बहुत बड़े लेवल की मछलियों का इंटरफेयर था, बहुत बड़े लोगों का दबाव था, बहुत बड़े लोगों की इसमें कोशिश की गई थी कुछ ना कुछ लेन देन करके इसे इसमें भूखंडों के ऊपर रिजर्वेशन लगे। पर हम मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे विरोध के कारण, हमारे इस भारी इनके ऊपर रुकावट के कारण आखिरकार उन भूखंडों के ऊपर शहर के आरक्षण डाले गए हैं। उसके लिए हमारी इस सहमत वातिक बात को सहमत करने के लिए, हमारी इस जरूरत को मानने के लिए, जो शहर के हित की बात मानो उनको मानने के लिए, हम सत्ता पक्ष का भी बारंबार धन्यवाद कर चुके हैं, आज भी धन्यवाद करते हैं। मनोज लासी जी, ऐसा है कि ये जो आपने निकाले हैं लिस्ट पूरी, वो तो जो नई डीपी प्लान आएगी उसमें लोग देखेंगे कि रिजर्वेशंस हैं और उसमें समझ जाएंगे कि इसमें राष्ट्रवादी का बहुत बड़ा हाथ था, तब जाकर के ये भूखंड कुछ बचे हैं, कुछ रिजर्वेशंस हुई हैं। अब मुद्दा लेते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट का। क्लस्टर डेवलपमेंट पे आज की तारीख में या अप्रैल में जब भी आई थी डीपी प्लान, तो राष्ट्रवादी की भूमिका एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि यह देखा गया कि जब यह क्लस्टर डेवलपमेंट का इशू उल्हासनगर में आया और बात की गई, तो श्री पप्पू कालानी जी ने पुरजोर उसका विरोध किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब यही क्लस्टर डेवलपमेंट थाना में आया, तो अवार्ड वहां पे, जितेंद्र अवार्ड वहां पे आंदोलन पे बैठे थे, पप्पू कालानी जी यहां से अपने समर्थक लेकर के वहां पे गए थे और वहां पे क्लस्टर डेवलपमेंट के पक्ष में गए थे और यहां पे विरोध कर रहे थे। तो ये जो उनकी भूमिका थी, कहां ना कहां आज भी प्रश्न चिन्ह लगाए हुए है, क्योंकि लोगों के मन में आज भी बैठा हुआ है कि श्री पप्पू कालानी जी जो क्लस्टर डेवलपमेंट पे मुद्दा उठाया था वो सही था या गलत था, क्योंकि एक जगह पे एक स्टैंड था उनका, दूसरी जगह पे दूसरा स्टैंड था। जी बिल्कुल, आपने बरोबर कहा। उन्होंने क्लस्टर के सपोर्ट में थाना में, जो जितेंद्र वाड़ हमारे कार्याध्यक्ष हैं, उनके सपोर्ट में जाके वो धरने पर बैठे थे और अपनी भूमिका, यहाँ से सैकड़ों लोग लेके गए थे और अपनी भूमिका वहाँ पर रखी थी। देखिए फर्क है, इस शहर में जो डीपी आया था पहले, जो मॉडिफिकेशन प्रपोज डीपी किया गया था, हमारे सामने रखा गया था, प्रकाशित किया गया था, वो सिर्फ कुछ भूमाफियाओं को, शहर के बड़े बिल्डरों को, शहर की बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए क्लस्टर आया था। पप्पू कालानी जब जितेंद्र अवार्ड के धरने में गए, तो वह सीधे स्पष्ट रूप से उन्होंने मांग की कि जिस तरह से जितेंद्र अवार्ड मुंबरा, दीवा, कलवा, ठाणे, जो भी इस तरह के आउटस्कर्ट सबब आउटस्कर्ट्स हैं, वेस्टर्न सबब आउटस्कर्ट है, वहाँ पर क्लस्टर की जोरदार मांग है। मुख्यमंत्री से इसकी मांग की है, वो जो क्लस्टर है ऐसे लोगों को फायदा होना चाहिए जो अफेक्टेड लोग हैं, न सिर्फ सिर्फ भूमाफियाओं को, न सिर्फ सिर्फ बिल्डर्स को, न सिर्फ भवन निर्माताओं को, न सिर्फ कंपनियों को। हमारे उल्लासनगर में जो क्लस्टर आ रहा था वो पहले पहले सिर्फ इन बड़े बड़े लोगों को फायदा मिल रहा था, जिनके बड़े बड़े भूखंड हैं, जिन्होंने खरीद करके रखे हैं, जिन्होंने खरीद किए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या चाहे बहुत बड़ी कंपनियों के हो या चाहे किसी भी समूह के लोग हों। हमने हमारी डिमांड थी पप्पू कालानी की, उल्लासनगर बचाव समिति की, राष्ट्रवादी की, कि ये जो फायदा मिल रहा है तो इसका हकदार सिर्फ ये लोग ही क्यों, ये फायदा जन जन तक जाना चाहिए। हमारे शहर में चार किस्म के लोग अपने अपने मकानों में रहते हैं, एक जो मिलिट्री के टाइम पे हमें बैरक्स दिए गए, जिनको सीडी है, एक जो ऑन प्लॉट्स के ऊपर है, जिनके ऊपर कोई कागज पत्र नहीं है, जिन्हें हम कभी ना कभी उन्हें अवैध भी कहते हैं, अवैध तरीके से बसे हुए हैं, तीन झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, चौथा ब्लॉक और चौल्स में रहने वाले लोग। तो हमने हमारी पुरजोर मांग के बाद, इन बैठकों के बाद, इतनी कश्मकश के बाद, इतने आपसी विवादों के बाद, जो सहमति हमने बनाई है, जो डीपी को सहमति दिए, तो हमने हर एक चीज़ जन जन तक इस यूआरएस का, जिसको आप क्लस्टर बोल रहे हैं, जिसे अभी यूआरएस कहा जा रहा है, उसका फायदा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जो मैं आपको अभी प्रमाण दे सकता हूँ। मनोज जी, अब आप कह रहे हैं कि इस यूआरएस का, क्लस्टर का, जिसको नया नाम यूआरएस दिया गया है, इसका फायदा मिलेगा मिलेगा, लेकिन 4 दिन 17 तारीख की जो डीपी हुई है उसके लिए आप कह रहे हैं ये इसका फायदा मिलेगा, लेकिन 13 तारीख को मुझे याद है आपने इंटरव्यू में कहा था
कि क्लस्टर का फायदा किसे मिलेगा आज भी कुछ नहीं कह सकते हैं। वो अनबॉर्न बेबी है, जब उसका जन्म होगा पता नहीं उसको एक आंख होगी, ठीक होगा, गूंगा होगा, बहरा होगा, क्योंकि ये एकदम नई चीज है। तो इतने 3-4 दिनों में आपको कैसा पूरा अनुमान हो गया कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट शहरवासियों के लिए बहुत फायदे वाला होगा? मैंने आपको वही बताया कि हमारी बहुत सारी बैठकें हुई है उस बीच में, उससे पहले भी उसके बाद भी बहुत सारी एक एक चीज के ऊपर, जिस तरह से समय नजदीक आते जा रहा था हमारी बैठकों का दौर बढ़ता जा रहा था। रात देर रात तक भी हमने बैठक की है। हमने शहर के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, मैं खुले तौर पर नाम लूँ, भूलचंद सोनेसर, जगया सिंह, दूसरे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने बारीकी से शहर को पिछले कई दशकों से देखा है। उनसे हमने हर चीज़ का विश्वास में जहाँ उन्होंने हम कहाँ हम नहीं समझ पाए तो उन्होंने हमें बताया, कहाँ वो नहीं समझ पाए तो हमने बताया, कहीं कहीं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बताया, नहीं आप बात कर रहे हो आर्किटेक्ट की नज़र से कि शहर को ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, हमने कहा हम राजनीतिक नज़र से बोलते हैं हमको ये फ़ायदा करके दो, हमको ये शहरवासियों को देना है। आप बात करोगे सिर्फ बैरक वालों की तो हम कहेंगे तो ऑन प्लाट वालों का क्या, झोपड़पट्टी वालों का क्या, चौल में ब्लॉक्स में रहने वालों का क्या, जो डेंजरस बिल्डिंग है उनका क्या, जो वीक्स बिल्डिंग है उनका क्या। अभी भी हमारे पास 227 की ऐसी लिस्ट है जो वीक्स बिल्डिंग है। आज हमारे शहर में 11 डेंजरस बिल्डिंग जो गिर चुकी है उनका आज क्या हो रहा है शहर में। तो हर एक चीज के ऊपर हमने उनसे फायदा लिया है। मनोज जी अगर इतनी आपने डिस्कशंस किए, डिबेट किए, चलो एक बार मान भी लें कि 13 तारीख तक आपको ये संदेह था कि ये क्लस्टर का फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन 13 और 17 के बीचों बीच में आपने इतनी सभाएं, इतनी मीटिंग की आपस में ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड करके उसकी आपको स्पष्टीकरण मिल गया, लेकिन इस शहर के यानी कि इस जिले के जो पालक मंत्री हैं गणेश नायक जी, उन्होंने तो काफी समय पहले ही कह दिया था कि उल्लासनगर के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट अच्छा है, तो क्या उन्होंने आपको नहीं समझाया था कि क्लस्टर डेवलपमेंट कैसे अच्छा है? जी नहीं, वहां पे कोई चर्चा नहीं, उन्होंने कहा ये जो पॉलिसी आ रही है ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पॉलिसी है, जो हमारी सरकार आगड़ी सरकार बैठी है राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ये उनकी पॉलिसी है। ये जो चीजें हैं उल्लासनगर हुआ, अंबरनाथ हुआ, कल्याण हुआ, दीवा, कलवा, मुमड़ा, ठाणे, जो कंजेस्टेड चीज जगह हैं जहां पे लोगों ने जिनको इस तरह से वर्टिकल जगह नहीं मिली लोगों को तो वो हॉरिजेंटल बड़े हैं या जिन्होंने अवैध निर्माण किया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक पॉलिसी है। जैसे 855 में हमको पॉलिसी मिली, जो जहां बैठ चुके हैं उनको घर से बेघर नहीं करना है, उनको अध्यादेश में लाना है, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक उसमें 855 में राजनीति आने के कारण या कायदे में कुछ ऐसी त्रुटियां थी, लोग आगे नहीं आ पाए, इसके लिए फायदा नहीं उठा पाए। पर कहीं ना कहीं ऐसा एक कायदा शुरुआत कहाँ से करनी है, जैसे ही वो कायदा जो अवैध नरोके से लोग बैठे हुए हैं, जो झुग्गियों में बैठे हुए हैं, जो बैरिक्स में बैठे हुए हैं, जो प्लॉट में, उनको फायदा मिलना चाहिए। यूआरएस और क्लस्टर, क्लस्टर हम बात करेंगे ये थाना मुमरा को, हमारे शहर को यूआरएस हमारे शहर को मिला है, और उसको जब कायदा तो मिला, पर जो आज हम उल्लासनगर में उसका फायदा लेंगे वो कहीं और नहीं लिया जाएगा। कारण हमने उल्लासनगर को 2 हिस्सों में बांटा है, एक कंजेस्टेड, एक नॉन कंजेस्टेड। रिंग रोड के अंदर वाला पोर्शन का ये फायदा मुमड़ा को नहीं मिलने वाला है, थाना को नहीं मिलने वाला है। तो ये बातें जब बाद में हुई ना, हमारी चर्चाओं के बाद हमने ये डिमांड की, जब बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, अधिकारी वर्ग थे, चाहे वो यूडी के हो, उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने कहा आपको अपने शहर का डीपी बनाना है, आप जो बना के भेजेंगे सरकार उसको सहमति देगी। कारण सरकारी सहमति क्यों दी, क्योंकि आपको अधिकार मिल चुका है 2005 में 2004 में कि आप अपने घर का नक्शा बनाओ, आप बना के भेजो, सिर्फ इनमें कायदे कानून की जानकारी थोड़ी बहुत आपको रखनी है, वो नॉर्म्स रखते हैं। तो ये जो चर्चाएं हुई तो वही हुए, नॉर्म्स में भी बिठाना है, और एक जो फायदा जो यूआरएस का आना है तो वो सब तक जाना चाहिए, चाहे वो झोपड़ धारक हो, डेंजरस बिल्डिंग हो, वीक बिल्डिंग हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, लफाटे वाले हो, या दुकान हो, मकान हो, रेसिडेंशियल हो, आई जोन हो, इंडस्ट्री जोन हो, हर एक चीज को किसका फायदा कैसा मिले। उस वजह से हमने शहर में कोई जोनिंग ही नहीं की, बाकी जगहों पे आप देखेंगे जोनिंग होती है टीडीआर के हिसाब से, ये जोन में इतना फायदा ही, हमने पूरे शहर को सिर्फ 2 जोन में डाल दिया, कंजेस्टेड और नॉन कंजेस्टेड जोन में। इसलिए मैं आपको वही कहने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आप मुझसे पूछिए कि बैरक वालों को क्या फायदा, झोपड़पट्टी वालों को क्या फायदा, जो इलीगल बैठे हुए उनको क्या फायदा, डेंजरस बिल्डिंग जो गिर चुकी है, आज सैकड़ों परिवार हमारे शहर के बेघर पड़े हैं, अपने कोई ससुरालों में रहता है, कोई रिश्तेदारों में रहता है, कोई शिफ्ट करके चला गया है, कोई मकान दुकान का मालिक था आज वो भारोत्री हो गया है, तो उसको हमने लड़के सहमति कैसे बनाई है, जगर के दबाव डाल के। आज सत्ता के पास तो बहुमत था, वो पहले ही दिन इस बीपी को पास कर सकते थे, पर कहीं ना कहीं दबाव डालकर शहर हित में उनको बताकर, शहर की मीडिया का दबाव डलवाकर, शहर के लोगों का दबाव डलाकर, और ये 9 महीने का जो संघर्ष था उसका दबाव डलाकर हमने सत्ता पक्ष से ये शहर हित के कार्य करवाए हैं। मनोज जी, अब आखिर में एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू, वह ये
कि ये डीपी का आपने पूरे संशोधन देख लिए, सजेशंस आपने जो दिए थे सब क्लियर हो गए, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ। ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट होगी, कंजस्टेड में भी होगी, नॉन कंजस्टेड में, नॉन कंजस्टेड में 4 FSI होगी और कंजस्टेड में 2 FSI का फायदा होगा जो क्लस्टर में जाएंगे, ठीक है। उसमें जो इरेगुलर लोग बैठे हुए हैं अगर क्लस्टर में जाते हैं 30% उनको जमीन जो है रोड टच प्लॉट महानगर पालिका को देना पड़ेगा और उससे बाकी जो 70% उनका रेगुलराइज हो जाएगा, ये सारी चीजें हो गई। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगे चल के हमारे शहर को बहुत फिर से समस्या दे सकता है, जो पिछले बार हम लोगों ने भुगता है 855 बिल्डिंगों में, वही आने जा रहा है, यह मैं आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूं, मुझे जानकारी नहीं है, आप जानकारी दे सकते हैं, वह ये कि ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए अगर महानगर पालिका अनुमति देगी तो 30% जो क्लस्टर डेवलपमेंट की 2000 वालों स्क्वायर मीटर का जो जगह रहेगी रोड टच प्लॉट, वो उनको बाउंड्री लगा के फेंसिंग करके ताला लगा के देना है, वो जो रिजोल्यूशन आपने पारित किया है वो जो देंगे वो एट द टाइम ऑफ कमिसमेंट देंगे बिल्डर या कंप्लीशन के बाद देंगे? कारण यह है, अगर आपने प्लिंथ के ऊपर उसको डाल दिया कि प्लिंथ के ऊपर ही आपको 30% निकाल के हमको जगह दे देनी है, तब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर कंप्लीशन करने के लिए आपने कह दिया तो कंप्लीशन इस शहर में 90% से ज्यादा बिल्डर लेते नहीं, क्रमांक 2 प्रशासन का उसके ऊपर कंट्रोल रहता नहीं, ले दे करके वो सब अपनी बिल्डिंगें बना जाएंगे, 30% में से 20% और जगह बिल्डर ले लेंगे, वो बिल्डिंग्स ऑक्यूपाई हो जाएगी और फिर बाद में ये बताया जाएगा अरे भाई 30% तो उसने दिया नहीं, अब 10% ही जगह बची है, अब लोग इतने परिवार बैठे हैं, एक परिवार में 5 लोग हैं, 3 बरस से रहे हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती है कई नेताओं की, अब इन लोगों को कैसे रोड पे ला सकते हैं इसके लिए अभी उनको, तो फिर से कहीं ना कहीं बिल्डरों को बचाना, बिल्डरों को फायदा देना और बेचारे जो विश्वास पे रहने वाले फ्लैट लेने वाले लोग हैं वो उसमें फिर से फंस जाएंगे। तो ये रेजोल्यूशन में आपने यह पॉइंट डाली है कि प्लिंथ के सर्टिफिकेट देने के टाइम ही उनसे 30% जगह लेनी है, यह प्रश्न आपने पूछा है या यह रेजोल्यूशन में पॉइंट डाली गई है कि नहीं? 1000% हमने टाइम बाउंड रखी है, चाहे वो झोपड़पट्टी धारक हो या वीक बिल्डिंग से या डेंजरस बिल्डिंग है या कॉपरेटिव बिल्डिंग है, अगर बिल्डर भवन निर्माता उनके पास आता है, उनको बोलता है कि मैं आपको इतना बना के दूंगा और बाकी का फायदा मैं लूंगा, झोपड़पट्टी वालों के आके प्लान बनाता है और बोलता है मैं आपको इतना स्क्वायर फुट दूंगा और इसके बाद बोला, उनके लिए हमने टाइम बाउंड डाला है, 3 साल के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को हम प्लान पास करते हैं तो 3 साल के अंदर जो रिपोर्ट आएगी कि ये डेंजर बिल्डिंग का फायदा लेने के लिए बिल्डर आया, ये झोपड़पट्टी का फायदा लेने आया है, ये क्लस्टर का फायदा लेने आया है, ये URS का फायदा लेने आया है, ये 2000 स्क्वायर मीटर में जाने वाला है, ये 5000 स्क्वायर मीटर में जाने वाला है, ये 2 FSI लेने आया है, ये 4 FSI लेने आया है, तो उन जो सामने डॉक्यूमेंट्स आएंगे उस हिसाब से 3 साल की बाउंडिंग डाली गई है रेजोल्यूशन में स्पष्ट। और ये डिमांड जो थी हमारे विरोधी पक्ष नेता राजू जग्यासी की थी कि टाइम बाउंड होना चाहिए, उन्होंने सभाओं में भी इस बात का बात किया, राजू जग्यासी की डिमांड्स के ऊपर ये टाइम बाउंड डाली गई है। जी आप जो मुद्दा कह रहे हैं टाइम बाउंड यानी कि बिल्डर को उस समय में वो जगह बनानी है, तैयार करनी है, बिल्डर अपनी जो फायदे वाली जगह 30% जमीन कमिटमेंट के टाइम पे वो देगा या कंप्लीशन के? मैं उसी भी आ रहा हूं, ये टाइम बाउंड वो 30% पे भी है जो महापालिका को उसको बाउंड्री मार के ताला मार के देनी है, ये टाइम बाउंड अगर झोपड़पट्टी वाले से वो कोई ले रहा है अपनी जगह, झोपड़पट्टी घोषित जो झोपड़पट्टियां हैं उसके अलावा जो झोपड़पट्टियां हैं वो कॉर्पोरेशन सर्वे करनी, हाँ ये झोपड़पट्टी है, वो भी उनको 3 साल में झोपड़पट्टी वालों को भी बना के देनी है, चाहे उसके अलावा वो जो दूसरा अपना प्रोजेक्ट उसके फायदे में बना रहा है वो बने या न बने। आपने आज प्लान पास करवाया, आपको 3 साल के अंदर महापालिका को सरेंडर करना है, आपको 3 साल के अंदर झोपड़पट्टी वालों को जो आप फायदा देना चाहते हो 350 स्क्वायर फुट का फ्लैट कम से कम, 350 स्क्वायर फुट का उनको रूम देना है कम से कम, चाहे फिर वो 100 स्क्वायर फीट का क्यों नहीं हो, अगर 350 स्क्वायर फुट से ज़्यादा झोपड़पट्टी धारक का है तो उनको 400 स्क्वायर फुट कम से कम देना है। झोपड़पट्टी वालों के लिए ये DP वरदान है जो उनमें हमने ये पॉइंट्स डलवाए हैं, जो सर्वसम्मति से विशेष तौर पर बहुत सारे हमारे सत्ता पक्ष के बोराड़े हैं बुलर हैं उन्होंने बहुत सारा अध्ययन करके इसमें ये पॉइंट्स डलवाए हैं, हमने बहुत सारा अध्ययन के पॉइंट डाले कि 350 स्क्वायर फुट का रूम मिलना चाहिए, वो 3 साल के अंदर टाइम बाउंड है। उसी प्रकार जो नॉन कंजेस्टेड एरिया है बड़े बड़े भूखंड है वो जो 30% का आरक्षण हमको देंगे, लैंड देंगे फुल FSI के ऊपर, आरक्षण तो अलग चीज़ है, आरक्षण तो उनको देना है, मतलब लागू हो गया जिस दिन ये रिजोल्यूशन पढ़ा गया महासभा में सर्वसम्मति में वोट हुआ वो उस दिन से लागू हो गया आरक्षण, वो 30% उनको देना है आरक्षण के अलावा, वो टाइम बाउंड पे 3 साल में अगर आरक्षण 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 है तो उनको वो लागू हो गया आरक्षण, आप उस पर वो आरक्षण पे कोई निर्माण नहीं कर सकते,
आप अंडरटेकिंग दो न दो, हमारा वो कॉर्पोरेशन की चीज हो गई, उसके ऊपर जो आरक्षण मेंशन किए वो हो गए। मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा एक भूखंड है 54 एकड़ का रेजेंसी निर्माण का, मारल गांव पे, कुनार कंपनी का नाम आता है कि उनका, सबको मालूम है। उसके ऊपर 30 एकड़ के ऊपर हमने आरक्षण डलवाया है। इसके अलावा एक और 5 नंबर में जहाँ पे बसेस खड़ी रहती है, जो पार्किंग है हमारे अंबरनाथ और उल्लासनगरी बाउंड्री पे, वहाँ 2 जगहों पर कब्रिस्तान डलवाया है। और ये हमारा मुद्दा तो था ही था, पूरे शहर का मुद्दा था, सभी पक्ष के लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि नहीं, ये उनका हक है, हमारे मुस्लिम भाइयों का हक है, शहर में रहने के नाते, इंसानियत के रहने के नाते लाखों लोगों के अधिकार है, जो मिलना चाहिए वो इस डीपी में हमने स्पष्ट क्लियर करवाया है। धन्यवाद श्री मनोज। इसके अलावा मैं सुनिए ना, मुझे मैंने मुझे तो बोले दीजिए, मुझे बोले नहीं, मैंने बोला, मैंने मैंने मनोज जी समय का, देखिए नरेश जी मैं एक पार्ट और आपसे लूंगा। नहीं नहीं मैंने मैं देखिए ये आपने आपके नहीं नहीं ये जो आपके सवाल थे वो आपसे पूछे, मैं हम लोगों ने जो आरक्षण डलवाए हैं। मनोज जी पत्रकार जो रहता है, जर्नलिस्ट जो रहता है, वह वही सवाल पूछता है जो जर्नलिस्ट को पूछने रहते हैं। देखिए राजनेताओं के सवाल किसी भी समाचार में जो राजनेताओं को चाहिए, अगर वह सवाल हम लोगों ने पूछने शुरू कर दिए, ये मुझे तो नहीं चाहिए। ये जो आपने दिखा रहे हैं, आपका सवाल था कि क्या मिला शहर को, ये डीपी में आ गया, ये जो संशोधित डीपी आ जाएगी, पता तो चले लोगों को, लोगों के दिमाग में आज कुछ लोग ये ढाल रहे हैं ब्रह्मण कि कहीं ना कहीं इनकी सहमति हुई किसी नहीं, और आपने स्पष्टीकरण उसका दे किया, पर बड़े बड़े कौन से बूट, मैं बात करूंगा हरमन मोहता की, कुमार लानी का भूखंड उस पर हमने क्या रिजर्वेशन डाला, ट्रक टर्मिनल डलवाया है। मैं बात करूंगा अमर ढाइंग का, वहां पे वाटर ट्रीटमेंट डलवाया है। मैं बात करूंगा एचडीएल जो शहर का सबसे बड़ा भूखंड है, मनोज उसके ऊपर हमने हिंदू शमशान भूमि डलवाई है, उसके अलावा स्टेडियम डलवाया है। मनोज जी आप जो बातें कर रहे हैं मैंने उसके ऊपर स्टडी की है, ये बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, इनके ऊपर आरक्षण गया है आपके हिसाब से? मैं ही बता रहा हूँ, 30% वो जो देने वाले हैं एफएसआई, जब 4 FSI लेंगे तो कंपलसरी उनको 30% देना पड़ेगा, और उस 30% के लिए आपने आरक्षण करवाया है? नहीं, आपकी जानकारी गलत है। बताइए, मैंने आपको इसके लिए कहा कि बड़े भूखंड के ऊपर आरक्षण जो है वो तो एक अलग है ही है, वो तो जिस दिन रिजोल्यूशन महासभा में पड़ा गया और उसको बहुमत मिला सर्वसम्मति से, उस दिन से वो आरक्षण लागू हो गया। जो 30% है, जो वैकेंट उसका प्लॉट है जिसके ऊपर वो निर्माण करेगा, वो 30% अलग है। आपकी जानकारी दुरुस्त कीजिए, जो हमको आरक्षण डालना है हमने आरक्षण डाल दिया है, वो एग्जम्पशन पे नहीं है। हमारी लड़ाई थी उधर ही कि एग्जम्पशन पे आरक्षण नहीं होता, रिजर्वेशन नहीं होती, कि आप बोलोगे आएगा, आएगा नहीं, अभी दो, अभी मिला है हमको, हमने लिया है, वो आरक्षण हमको मिल चुका है, चाहे वो हरमन मोहता हो, HDL हो, अमर डैंग हो, रेजेंसी निर्माण हो, EMT कंपाउंड हो, राणा कंपाउंड हो, या चाहे 5 नंबर में सोंग्यांची वाड़ी हो, ऐसे बहुत सारे उनको पे हमने आरक्षण दिया है। 30% वाली बात ही कर रहा हूं मैं, उसको छोड़ के, उसको छोड़ के अलग से आरक्षण, वो जो 30% तो मिलेगा ही मिलेगा हमको, हमने उसके लिए पॉइंट डाली है, 3 साल में आपको देना है। उसके अलावा भी आरक्षण डाला हुआ है, 54 एकड़ के ऊपर 30 एकड़ आरक्षण डाल दिया है हमने, हमने हरमन मोहता के ऊपर आरक्षण डाल दिया है, चाहे वो किसी का भी हो, हमने अमर डैंग के ऊपर आरक्षण डाल दिया है, HDL के ऊपर आरक्षण डाल दिया है, हमने सोगांची वाड़ी 17 एकड़ का भूखंड है उसके ऊपर आरक्षण डाल दिया है, हमने 5 नंबर में एक हॉस्पिटल के ऊपर हॉस्पिटल का आरक्षण डाला है, हमने शांतिनगर में एक हॉस्पिटल का आरक्षण डाला है, फायर स्टेशन का आरक्षण डाला है। हमारी जो मांगे थी, हम तभी तो बोल रहे हैं हमने सहमति क्यों की, क्योंकि आरक्षण डालवाया है, उन्होंने उस बात को माना। धन्यवाद सत्ता पक्ष का, धन्यवाद महापौर का, उपमहापौर का, सभागार नेता का। चलिए तो ये आप आखिर में, मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि आपके हिसाब से जो जो चीजें आपने इस शहर के लिए मांगी थी, इस शहर के लिए मांगी थी, खुद के लिए नहीं मांगी थी, इस शहर के लिए मांगी थी, राष्ट्रवादी की जो डिमांड्स थी इस शहर के प्रति, वो आखिरकार उन्होंने मानी, उसके लिए आपने उनका आभार भी प्रकट किया, महापौर उपमहापौर का, और आखिरकार विरोधी पक्ष और सत्ताधारी पक्ष मिल बैठ के इस शहर के हित के लिए कुछ न कुछ आपने DP बनाई है, जो कि ये आने वाले 25 वर्षों के लिए इस शहर के लिए हितकारी होगी, जैसे आप कह रहे हैं। ये DP से किसी भी उल्लासनगर में रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वो टैक्स पेयर है या नहीं है, चाहे वो कागज पत्र उसके पास है या नहीं है, या उसके पास टाइटल है या नहीं है, किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला है। उसके अलावा जो आरक्षण डाले हुए हैं, जो शहर को जरूरत थी, वो सब आरक्षण डाले गए हैं, वो मिल रहे हैं, पूरे शहर के चारों तरफ से आरक्षण मिल रहे हैं, एरिया है। उसके अलावा इस शहर में जब डेवलपमेंट चालू होगी तो बहुत सारा रेवेन्यू आने वाला है, जिससे हमारा महानगर पालिका को चलाना है। उसके अलावा हमको जो 30% आरक्षण मिलेगा, उससे हम बाकी छोटे छोटे आरक्षण क्षेत्र वाइज डालेंगे। यानी मैं कहूँ ये DP उल्लासनगर के एक एक आदमी तक ये पहुँचने वाली DP है, न सिर्फ कुछ चंद लोगों के ऊपर,
इससे पहले ये चंद लोगों तक पहुंच रही थी। 9 महीने के संघर्ष के बाद, 9 महीने के विरोध के बाद, पप्पू कलानी की कुर्बानियों के बाद, शहर में उल्लासनगर बचाव महासमिति के संघर्ष के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आंदोलन के बाद, कांग्रेस के जवाबदेही के बाद, शहर के लाखों व्यापारी, लाखों लोगों, छोटे छोटे कार्यकर्ता, झोपड़पट्टी वासी, किसी भी समाज के वर्ग के आंदोलन के बाद, ये डीपी चंद लोगों तक नहीं, सैकड़ों लोगों तक पहुंच रहा है, घर घर तक पहुंच रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है। धन्यवाद श्री मनोज लासी जी। तो हमने एक प्रयास किया, एक कोशिश की, आम लोगों की तरफ एक एक चीज़ को बारीकी से देखा, जाना, खोल के रखा इस शहर के सामने कि क्या है डीपी के पास होने की सच्चाई। मुझे उम्मीद है कि ये जो जनता देख रही है वो सब जानती है कि यह डीपी इस शहर के लिए हितकारी होगी। आज सत्ता वाले भी बोल रहे हैं, विरोधी वाले भी बोल रहे हैं, तो हम ये विश्वास करके चलते हैं कि आने वाले दिन जो रहेंगे इस उल्लासनगर वासी के लिए सुनहरे रहेंगे।